and the Masters of the Universe. He-Man and the Masters of the Universe की कार्टून सीरीज किसने नहीं देखी? 80 और 90 की दहाई के हर बच्चे को इसका इंट्रो मुंह ज़बानी याद था। कैरेक्टर्स अक्सर ख्वाब में आ जाया करते थे और एक्शन फिगर्स की फरमाइश हर वक्त ज़बान पर होती थी। क्या आपने नहीं देखी? तो कोई बात नहीं, 2026 में रिलीज के लिए लाइव एक्शन फीचर फिल्म बनाई जा रही है जिसकी कहानी में सब आसानी से समझ आ जाएगा। 80 की दहाई की ये कार्टून सीरीज मेटल के टॉयज की कामयाबी के बाद बनाई गई थी। इसमें ही मैन और स्केलेटोर के दरमियान जंग होती है। ही मैन के पास एक मैजिकल सॉर्ड होती है जो उसे द मोस्ट पावरफुल मैन इन द यूनिवर्स बना देती है। ही-मैन के साथ होती है बैटल कैट, जो एटर्निया की सोर्स ऑफ पावर कैसल ग्रेस्कल बचाने के लिए डटी रहती है। इस कार्टून सीरीज पर 1987 में एक फिल्म बन चुकी है जिसमें डॉल्फ लंडग्रेन ने टाइटल रोल अदा किया था। गुज़िश्ता 10 सालों में ही-मैन को लेकर कई कार्टून सीरीज बनाई गई हैं, मगर बदकिस्मती से लाइव एक्शन फिल्म सिर्फ कागजों तक महदूद रही। कई कोशिशों के बाद अब एक फीचर फिल्म बनाई जा रही है। MGM स्टूडियोज और मेटल फिल्म्स की इस फिल्म को ट्रेविस नाइट डायरेक्ट कर रहे हैं, जो इससे कबल बम्बलबी और कूबो एंड द टू स्ट्रिंग्स बना चुके हैं। कास्ट अभी तक फाइनल नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि सब कुछ जल्द हो जाएगा और सिनेमा के पर्दे पर ही मैन एंड द मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स की फिल्म पुराने वक्तों में ले जाएगी।